हाँ तो भाई, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि क्या हाल है आप लोगों के, ना मैं ये बताऊँगा कि मेरे क्या हाल है। मैटर थोड़ा सीरियस है, टॉपिक भी थोड़ा सीरियस है। आज कुछ बातें करेंगे, कुछ क्या, काफ़ी सारी बातें करेंगे, क्योंकि मैं खुद काफ़ी टाइम से गायब था। प्रॉबली 1 मंथ पूरा मैं गायब था। गायब क्यों था, लाइफ में सबके अप एंड डाउन आते हैं, एज यू नो, आप लोग जानते अच्छे से। बहुत सी चीज़ें कहनी है, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, पर बड़ा खैर मायूसी अल्लाह को पसंद नहीं है, ये सब आप भी जानते अच्छे से। दिल बर्दाश्त चीज़ें देखी मैंने बहुत इस सराउंडिंग 1 महीने के अंदर। पहली बात तो मैं शिफ्ट हो गया हूँ, सही, पहले मैं डेरा सेट रहता था, मैं दुबई सेट आ गया, दुबई में। और इसी सोच था कि जॉब को लेके और कुछ टेंशन से बहुत सारी चीज़ें कि मैंने कहा ना, मैं अभी तक फेमस नहीं हूँ, और दूसरा कि स्ट्रगलिंग पॉइंट चल रहा है, स्टिल स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सही। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर चीज़ को, हर किसी चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, किसी के भी हो, और बहुत सी लगता है किसी से भी, क्योंकि बेकार है, बहुत सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरा कि ये है भाई, दो चीज़ें, पहले तो मैंने एक जो लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान में था कराची में, एक मैंने वो बॉम्ब ब्लास्ट देखा था जो अर्थक्वेक के बराबर था, अब्बास टाउन का 2013 में आई थी, हाँ 2013 में हुआ था, बहुत बुरा। उस दौरान मेरे दोस्त काफ़ी इस दुनिया से चले गए थे, काफ़ी बहुत सैड मोमेंट था, बहुत ज़्यादा। और रिसेंटली अभी आप भी देख लो जो कल हुआ है, कल जैसे हालात थे लड़की में, ऑस्ट्रेलिया में जाऊँगा, तो ये छोटी सी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है ना, बॉस्टन का ब्लास्ट, और कैसे कैसे लोग मिले थे, किस तरह लोग दबे मिले थे, कोई ज़िंदा नहीं था, और जो बहुत ज़िंदा बच गए थे बहुत रेयर केसेस थे, इक्का दुक्का था, मुझे वो याद है आज तक अच्छे से कि। और अभी रिसेंटली जो ब्लास्ट हुआ है, मैंने जो वीडियोज़ देखी हैं, जो पिक्चर्स मेरे सामने आई हैं, लिटरली एक दो पिक्चर्स यहाँ शो हो रही होंगी आपके सामने, कि वो जल्दा था क्विक था, इतना बुरा आया, अल्लाह सब पर रहम करे। मगर मैं ये जो मेरे दोस्त तुर्की में रहते हैं उनमें से एक कदम निकाल हो गया कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसकी पूरी पूरी रिपोर्ट अपडेट आ गई है। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, वो उससे सलाम दुआ थी, हेलो आई थी, और दो दोस्त का रिस्पॉन्स आ गया था। एक है दोस्त मेरा कराची के, दोनों दोस्त कराची गए मगर वो तुर्की में रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेफ, उनका रिप्लाई आ गया था कि हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा कि तुम लोग ठीक हो जाने, क्योंकि बहुत बुरा ज़्यादा आया था। मैंने कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ देखी ना, मेरे देख के रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे आँखों से आंसू आ गए थे, मेरे पास अल्फाज नहीं थे सिवाय दुआओं के अलावा, कि सिवा वो दुआ करें और दुआ सबको याद रखें। इस तरह छोटे छोटे बच्चे दब के मर गए बिल्डिंगों के नीचे, पत्थरों में दबे में, किसी के सरिये गुस्से में पार हुए, वो एक लिटरली मैं वो चीज़ देख चुका हूँ पहले, अपनी आंखों के सामने देख चुका हूँ। मैंने बताया ना आपको पास ऑफ क्लास में कराची में जो बना था तेरा में, एक वो क्लास मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था, वो एक अलग परफेक्टिव था। मगर ये जो परफेक्टिव है, ये नेचर है कुदरत की तरफ से अर्थ कोई। और मैं गायब भी इस वजह था कि मैंने बताया ना आपको अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते, मैं परेशान था, बहुत परेशान था। मैं डिस्कस सिर्फ ये बातें अल्लाह से करता हूँ, सही है कि नमाज सब कुछ है, मैं तो आपको भी बोलूँगा कि नमाज़ पढ़ा करें। और ये बावत जो पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, बावत तो खैर मुझसे पढ़ी जाती है, मगर मैं नमाज़ पूरी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैर कदा पढ़ लेता हूँ मगर पढ़ लेता हूँ, कि जॉब्स की टाइमिंग्स होती हैं ऐसी कि नमाज लेट ही पढ़ता हूँ, लेट ही उठता हूँ मैं अदरवाइज। और ये जो चीज़ें आपने देखी, आप लोग जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे कि आपके सामने से वीडियो सोशल मीडिया पर जाएंगी, फेसबुक पर रही होंगी, यूट्यूब पर रही होंगी, बहुत सारी आई थी वीडियोज़ वगैरह, इस आप लोग देख रहे हैं कि सपोर्ट करें प्लीज़, जितना आप डोनेट कर सकते हैं करें। आपका एक शेयर और एक लाइक भी ना, आपका एक शेयर और एक लाइक या एक कमेंट भी, वो डोनेशन के उसमें काउंट होता है। इस तरह फेसबुक पे पोस्ट आती हैं, आप शेयर करते हो डोनेशन भी काउंट होता है, इस तरह आप इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो पोस्टें वो भी काउंट होती है। मैं अपना इंस्टाग्राम या दे दूँगा, यहाँ पर भी शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम,
मेरा, माना कि मुझे फॉलो करिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं शेयरिंग वगैरह करता हूँ, पोस्टर वगैरह लगाता हूँ, और एज यू नो मैंने बताया था कि आपको मैं इतना फेमस नहीं हूँ, बट आपको की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं डेली ब्लॉगिंग तो नहीं कर सकता, और ये कोई मेरा कोई इतना समझ लें कि पर्पस होता है वीडियो बनाने का, हमेशा एक कॉन्टेंट चाहिए होता है। कॉन्टेंट हमेशा ज़रूरी नहीं कि खुशी का ही हो, और आप ये जानते हैं अच्छे से कि हर कोई अपना बुरा टाइम नहीं दिखाता, हर कोई अपना अच्छा टाइम ही दिखाता। तो मैं तो ये बोलूँगा चाहे वक्त बुरा हो या अच्छा हो, टल ही जाता है, और हमेशा अच्छा वक्त आता है इंसान की लाइफ में। टाइम लगता है, टाइम लगता है, मगर क्या आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, अपने मेहनत करनी है, अपने दुआएं करनी है, और किसी से कभी भी हसत नहीं करिएगा किसी से भी कभी। और आपने हमेशा मुझे हंसते हुए देखा है, हमेशा मुझे लाइक आप देखते हैं कि भाई बंदा बहुत फ्रैंक बात कर रहा है, बंदा बहुत चौल तरीके से बात कर रहा है, हर तरीके से शेयर करता है, हर चीज़ शेयर करके बताता है, और अपने पाकिस्तान के हालात बताते हैं। हाँ, पाकिस्तान के हालात सही हैं, जिस तरह श्रीलंका के हालात सही हैं, जिस तरह बांग्लादेश के हालात सही हैं, इस तरह डॉलर के रेट ऊपर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, यूरो इतना ऊपर चले गया है। मुझे अभी रिसेंटली मेरा दोस्त आया था, आया है सॉरी आया हुआ है, मेरे रूम में ही रहता है, वो भी कराची से ही आया हुआ है। उसने बताया कि भाई धर्म पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, डॉलर नहीं मिल रहा, धर्म भी नहीं मिल रहा, क्योंकि रेट्स इतने हाई हुए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था 4 महीने पहले, तो उस टाइम भी धर्म था कुछ 64.50 बिक रहा था, तो मैंने इतने रेट में ले लिया था। अभी 74 समथिंग ऑनलाइन शो हो रहा है, और उसके बावजूद भी वहाँ पे धर्म 100 रुपये का सेल हो रहा है। जो वहाँ लोग बैठ कमा रहे ना, वो भी उनके पास भी धर्म वो नहीं बेच रहे, कि धर्म टोटली गायब हुआ है, धर्म क्या डॉलर भी गायब हुआ है। तो लोग इतने परेशान हैं, सब चाह रहे हैं किसी तरह की पाकिस्तान से निकल जाए, क्योंकि पता है वहाँ पे अर्निंग सही नहीं है। हर कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, खास करके जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हर कोई घूमने आ रहा है वो अलग बात है। अगर मैंने देखा है, मैंने कहा ना कि मैंने बहुत लोगों के दिल देखे हैं इस दौरान, जितना भी टाइम पीरियड रहा है मेरी लाइफ में, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और उनके देखने के बाद, खैर मैं जज तो नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग के जिस तरह लोग सपोर्ट करने वाले हैं, दे आर लिटरली वेरी गुड, और जो सपोर्ट नहीं करते, जो सब दिलासा देते हैं, जो अपना दावा करते हैं, और जो अपना बिल्कुल पीक टाइम पर आकर कुछ छोड़ देते हैं कि यार हमने तो कहा था मगर हमसे नहीं पाया वगैरह वगैरह, तो आप किसी के आसरे में कहा करें, कीप गोइंग में लगा रहा करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वाली ज़्यादा ऊपर की जात है। सब कुछ वक्त लगेगा, सही है, सब्र रखें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। अपना बस बिलीव स्ट्रॉन्ग रखें, और हर किसी को मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि दुआओं में याद रखा करें, सबके लिए दुआ किया करें, और मैंने कहा ना सपोर्ट किया करें हर किसी को, कि आपको लगता है कि आप भाई अफोर्ड कर सकते हो, आप अफोर्ड करने वाले हो, आप आने वाले वक्त में अफोर्ड कर सकते हो, तो आप तभी आप उस बंदे को जबान दो या उस इंसान को जबान दो कि भाई कि मैं तुम्हारा काम कर दूँ या करने वाला हूँ। अदरवाइज के किसी को आप झूठे दिलासे नहीं दें। सबकी लाइफ में मैंने कहा ना अप एंड डाउन रहते ही रहते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। और रही बात, इंसान हमेशा अपना अच्छा ही चाहता है, और दूसरों का भी, जो अच्छा होता है वो दूसरों का भी अच्छा ही चाहता है। और जो मैंने कहा ना, ऐसे अमीरों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, गरीब तो बेचारा मिडिल क्लास कह लो या लोअर मिडिल क्लास कह लो, वो तो बेचारा ज़िंदगी से रोड कर रहा होता है। रही बात अमीरों की, उनकी लाइफ सेट है भाई, उनको पता है उनको सुबह उठ कर कुछ मिल जाना है, पैसे, खाना पीना, घूमना फिरना, ये चल रही गाड़ी उनके पास है, क्या ठीक है। अब मुझे नहीं पता, अमीर दो तरीके के होते हैं, सही है, एक जो बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम अमीर हैं, और एक वो जो मेहनत करके अमीर हुआ। सबको कदर है पैसों की, मैं नहीं बोलूँगा, कि सपोर्ट करने वाले बहुत कम। अभी जिस तरह टर्की में हालात चल रहे हैं, तो आपसे जितना भी हो सके आप डोनेट करें, सही, मुझसे जितना हो सकेगा मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली करूँगा, डेफिनेट करूँगा इंशाल्लाह। बस ये कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, और बस दुआ में सबको याद रखना। बाकी मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और मेरी लाइक जो वीडियो है, जहाँ तक हो सके आप शेयर कर सकते हैं करें, आपको फोर्स नहीं करूँगा, आपने लाइक करना है आप लाइक करें, ठीक है। मैंने आपको फिर कहा है कि जितना सपोर्ट करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा, कि मैं डेली ब्लॉगिंग तो खैर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जॉब होती है, सही 10 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया कि खैर दुआ में याद रखें, सही, बस आपके भाई को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और दूसरों को भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, दुआ में याद रखें। चलो फिर मुलाकात करेंगे एक अच्छे फेस के साथ, अच्छे फेस के साथ, क्या स्माइली फेस के साथ, चलो मिलते हैं इंशाल्लाह।